कल्चर ग्रुप अगर आज मुकासद तो सामने है कि एकेडमी अपने मैंडेट के हवाले से आए दिन जो एक्टिविटीज़ करती रहती है और आज का जो प्रोग्राम है वो उसी सिलसिले की एक कड़ी है। आज हम शहर ख़ास लिटरेरी एंड कल्चर सोसाइटी के साथ मिलकर ये सूफ़ी फेस्टिवल है, सूफ़ी फोक म्यूज़िक फेस्टिवल, और इसकी खसूसियत यह है कि इसमें हमने यंगस्टर्स को मौका दिया है, स्कूल के बच्चों को और बहुत यंग आर्टिस्ट जो हैं उनको मौका दिया है ताकि वो परफॉर्म करें और अपने कल्चर के साथ, अपनी सूफ़ी रवायात के साथ, सूफ़ी म्यूज़िक के साथ जुड़ सकें और उसके बारे में जान सकें। यही इसका मुद्दा और मकसद है। और बात यह है कि हम चाहते हैं कि अपनी रवायात को आगे ले जाकर नई नस्ल को उसके साथ रोशनास कराया जाए और उनको बताया जाए कि उनकी मीरास क्या है और किस तरीके से उसको संभाल सकते हैं या उसकी तरवीज और तरक्की हो सकती है। तो यही इसका मुद्दा मकसद है। वास्तव हम देख रहे हैं कि इस तरह की बहुत सारी प्रोग्राम्स अगरचे हो रही हैं लेकिन जो बाकी ज़ुबानें हैं उनको उतनी ही तरजीह नहीं मिल रही। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये बात कहना गलत है। हमारे मुख्तलिफ सेक्शन हैं और वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने इलाके में काम कर रहे हैं, किसी ज़ुबान के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। हर सेक्शन जो प्रोग्राम अपना देती है उसको ऑन किया जाता है और उनको अप्रूवल दिया जाता है और वो कर रहे हैं, आज भी हो रहे हैं प्रोग्राम, ऐसी बात नहीं है। दूसरी ज़ुबानों के भी हो रहे हैं और साथ में, और हम ये जानते हैं कि कश्मीरी तो यहाँ की एक बड़ी ज़ुबान है और इस लिहाज से शायद आपको लगता हो कि इसमें कुछ ज़्यादा हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। हर ज़बान को उसका हिस्सा मिल रहा है और तमाम सेक्शन जो हैं अपनी सतह पर मुतहरक हैं और काम कर रहे हैं। फर्स्ट हमने देखा था कि पिछले कुछ सालों में जो गैप लगा था इस सारी चीज़ में, हमारी कोशिश है कि हम सारे गैप जो है उनको पूरा करें। आपने ये महसूस किया होगा कि पिछले एक साल के अंदर एकेडमी किसी भी सकाफ़ती इदारे में सबसे ज़्यादा मुतहरक है और ये इस बात की दलील है कि एकेडमी अपनी पुरानी रवायत पर वापस आ चुकी है बल्कि उससे बढ़ चढ़ का काम कर रही है। और हमारी पूरी कोशिश है कि हम यहाँ की ज़ुबानों को, यहाँ की सकाफत को, यहाँ की तहजीब को किस तरीके से बचा सकें, बढ़ावा दे सकें, उनकी हिफाजत कर सकें, हम उस पर काम कर रहे हैं। सर, क्या ये प्रोग्राम्स महज टैगोर हॉल या बाकी जो यहाँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वादी के तूर अर्ज में हमारे आए दिन प्रोग्राम होते हैं। अगर आप सोशल मीडिया को ही देखें तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। अभी कल ही हमारा एक दमाल हाजीपुरा में एक बड़ा आदमी प्रोग्राम था, हमारा बिमना कॉलेज में अभी प्रोग्राम था, हमारा कपवाड़ा में और बहुत सारी दूसरी जगहों पर हमारे प्रोग्राम वादी के तूल अर्ज़ में हो रहे हैं, ना कि सिर्फ टैगोर हॉल में। टैगोर हॉल में चूंकि लैम लाइट में आ ही जाता है इसलिए साहब की नज़र इस पर रहती है, इसलिए लगता है, ऐसी बात नहीं है। हम तूल अर्ज़ में जो है वो काम कर रहे हैं और प्रोग्राम हो रहे हैं।